अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि स्ट्रॉबेरी से बनेगी। जैसा कि आपको पता है कि आजकल स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है और स्ट्रॉबेरी से बहुत ही ज़्यादा मज़े की और रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स बनती हैं, तो आज हम उनमें से एक बनाएंगे जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी रेड पंच। स्ट्रॉबेरी रेड पंच बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए हैं वो है स्ट्रॉबेरी। मैंने स्ट्रॉबेरी को स्लाइसेस में काट लिया था। एक बॉल हमें स्ट्रॉबेरी चाहिए। हमें चाहिए 7 अप। 2 टेबलस्पून मेरे पास पीसी हुई चीनी है, आप नॉर्मल चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून लेमन जूस है और 1 कप के करीब मेरे पास एप्पल जूस है। तो चलें इसकी मेकिंग स्टार्ट करेंगे। मिक्सिंग जग, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अपनी स्ट्रॉबेरीज। लेमन जूस डालेंगे, चीनी डालेंगे और साथ हम डालेंगे एप्पल जूस। हम एप्पल जूस इतना डालेंगे कि हमारी जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। तो चलें इसको ब्लेंड करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं जी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही एक थिक सी पेस्ट तैयार होगी हमारी स्ट्रॉबेरीज की, ये देखें। अब हम सबसे पहले अपने ग्लास की डेकोरेशन को प्रिपेयर करते हैं और फिर इसको बनाते हैं। 2 ग्लास ले लेंगे इस तरह से। हमें चाहिए शुगर, अगर आपके पास बारीक चीनी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास मोटी थी इसलिए मैं पीसी हुई चीनी यूज़ कर रही हूँ। हमें चाहिए लीमू इस तरह से कटा हुआ और 2 मैंने लेमन के स्लाइस ले लिए हैं, थोड़े मोटे काटे हैं ताकि इसको हम ग्लास में अटका सकें। और 2 स्ट्रॉबेरीज चाहिए डेकोरेशन के लिए। सबसे पहले हम ग्लास के कॉर्नर्स को इस तरह से लेमन लगाएंगे। लेमन लगाने के बाद ये जो शुगर है, बहुत ज़्यादा आपने बॉल में शुगर नहीं डालनी, आपने उल्टा करके इस तरह से ग्लास लगाना है ताकि शुगर साइड्स पे लग जाए। ये देखें इस तरह से, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। हम अपना दूसरा ग्लास भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। हमारे दोनों ग्लास इस तरह से सेट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब्स। बहुत ध्यान से डालनी पड़ेंगी ताकि हमारी जो ऊपर वाली शुगर की कोटिंग है वो ख़राब ना हो। स्ट्रॉबेरी का थिक सा पेस्ट तैयार किया था वो हम डालेंगे। 1/2 कप हम वो डालेंगे, दोनों ग्लासेस में डाल देंगे। बाकी के जो 1/2 ग्लासेस हैं उसमें हम 7 अप डालेंगे। अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। स्ट्रॉबेरी के यहाँ पे एक कट लगा देंगे, बहुत बड़ा नहीं लगाएंगे, बस छोटा सा, ये ऐसे। और जो लेमन थे उसको मैं ऑलरेडी कट लगा चुकी हूँ, ये देखें, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस एक कट लगा देना ये इस तरह से। दूसरे ग्लास को भी इसी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। हाँ जी, तो दोनों ग्लास ही बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत ही मज़े का ये तैयार हुआ है। मुझसे तो इंतज़ार भी नहीं हो रहा कि इसको टेस्ट करूँ, बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो इसकी फाइनल लुक देखते हैं कि ये कैसा लगता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।